आज मुंबई प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये सभी पदाधिकारी अपनी ब्लॉक कार्यकारिणी और हर कॉलोनी के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर 11 लोगों का गठन करेंगे और वो 11 लोग मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, साथ ही समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, जो मोदी जी के मन की बात है, उस सबको पूरा करने के लिए ये टोली काम करेगी। मिशन का उद्देश्य है हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर में मोदी तैयार करना। और यहाँ जो प्रदेश कार्यकारिणी और जिले के पदाधिकारी जो आए, ये पूरा संकल्प लेके यहाँ से जा रहे हैं कि ये मुंबई पूरे प्रदेश में हर कॉलोनी के अंदर, हर क्षेत्र में 11 मोदी खड़ी करेंगे। और मोदी जब खड़े हो जाएंगे उसके बाद उनका प्रश्न वर्ग होगा, उसके बाद वो मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। साथ में अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सरकार बनाने में सहयोग करें, मतदाता जागरूकता अभियान के रूप में भी हमारे कार्यकर्ता जागरूकता के लिए काम करेंगे। इन सब काम करने के लिए आज इसका गठन किया गया है और साथ साथ ही आगामी रणनीति आज तय। अभी कल गुजरात प्रदेश का पूरा गठन हुआ है, कल गुजरात में भी कार्यक्रम था गुजरात प्रदेश का, तो वहाँ के गठन के बाद ही आज यहाँ पे प्रोग्राम चालू हुआ है। जो भी आज, इसके दो दिन पहले भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन आज पदाधिकारियों की मीटिंग इसलिए रखी गई कि आज कुछ दायित्व लोगों को दिए जाए। और यहाँ पे महाराष्ट्र का मेन जो है कार्यपालक हमारी पटवारी को बढ़ाया गया है और प्रेम साहब अपने यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप दोनों लोग मिलके महाराष्ट्र को एक अच्छा सूचना देंगे मोदी जी के बारे में। बस यही करें, प्रतिकारी के साथ शक्ति लगा दी तो प्रेरणा कौन हो सकता है, आप जरूर सोच सकते हैं। शक्ति खुद हम लोगों की प्रेरणा है और नारी शक्ति आज भी नहीं, पहले भी पहचानी जा चुकी है, आज भी पहचानी जा रही है। बीच में थोड़ा सा कुछ ब्रिटिश शासन और लोगों की वजह से हमारी भारत देश की नारियां जिन्होंने जौहर किया है सब किया, उसकी वजह से थोड़ा अंदर थी, लेकिन फिर कंधे से कंधा मिलाकर फिर नारियां आगे आ रही है। फिर आज तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो मोदी जी का हम लोग ने कार्य देखा, जो लोग जो कार्य कर रहे हैं, तो हम अब उनके साथ उनकी अपनी भाइयों पुरुष वर्ग के साथ मिलकर हम नारियां भी अपनी शक्ति बताते हुए, क्योंकि हमको इस देश को अखंड बनाना है, अखंड भारत बनाने के लिए हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लेकर हम हर एक शख्स में, हर शख्स को एक मोदी बनाने की कोशिश लेकर, इस मुहिम को लेकर, इस संकल्प को लेकर हम उतरे हैं और हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। कोशिश तो नहीं करेंगे, संकल्प ही, हम संकल्प अपने में खुद परिपूर्ण होता है शब्द, तो हम इसको इस संकल्प को पूरी तरह से पूरा करेंगे। डॉक्टर जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, इन्होंने ये जाहिर की है कि मिशन मोदी, ये जो मिशन है इसको मुंबई तक सीमित नहीं रहने देंगे, जिलों जिलों में, गांव गांव में इसे लेके जाएंगे और प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी जल्दी बनाएंगे। जैसा कि हमने जाना कि कोई हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी चिन्ह की बात नहीं कर रहे, ये हम एक ऐसी डोर की बात कर रहे हैं जो बिखरे हुए मोतियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसा कि हम सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में हमेशा फील किया है कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मैं देश में ये बदलाव करना चाहता हूँ पर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ये उस तरह का प्लेटफॉर्म है जो बिखरी हुई शक्तियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ हम किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, यहाँ हम महानायक की बात कर रहे हैं, एक हीरो की बात कर रहे हैं जिनसे हम सब उनके फैन हैं, जिनसे हम लोगों ने इम्प्रेस किया कि जिस तरह से हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं।